स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस. दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड एंड योर सब्जेक्ट इज मैथ्स. एक्सरसाइज 5.1. इन आवर लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ओके एंड डन रिकॉल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो चुका है, तो आप चैप्टर नंबर 4 तक अपना वर्क करके स्कूल में आकर सबमिट करा देंगे. मेरे पास कल भी एक स्टूडेंट की नोटबुक आई थी जिन्होंने क्या किया बेटा, पूरा वर्क कंप्लीट, मतलब स्टार्टिंग टू अभी तक का जितना भी वर्क है वो पूरा वर्क करके, पूरी नोटबुक जब फिल हो चुकी है ना, तब वो स्कूल में आके सबमिट करवाइए. तो बेटा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैम आपकी फुल नोटबुक चेक करने बैठेंगी. दिस इज़ नॉट फेयर. ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आप स्कूल में भी तो एक दिन का वर्क दूसरे दिन आके चेक कराते हो ना. तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको जो वर्क दिया जाता है, चलो आप डेली नहीं आ सकते, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो आप स्कूल में आके नोटबुक चेक करवा सकते हैं ना. तो मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि लास्ट मैंने आपको थर्सडे तक का टाइम दिया है. ओके, थर्सडे नहीं तो आप 25 सितंबर तक अपने चैप्टर नंबर 4 की नोटबुक आके मुझे चेक करवा देंगे. मतलब 25 सितंबर के बाद मैं किसी भी बच्चे की, थर्ड क्लास में किसी भी बच्चे की नोटबुक, चैप्टर नंबर 4 की नोटबुक चेक नहीं करूँगी. ये मैं आप लोगों से क्लियरली कह रही हूँ. क्लियर है? ओके. एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि रिकॉल एक्सरसाइज करनी है एंड टेबल्स लर्न करनी है 2 to 15. 2 to 10 तो आप लोगों को लर्न नहीं होगी, जिनमें नहीं है वो लर्न करेंगे. 11 to 15 आपसे मैंने कहा था कि आप टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न नहीं होगी तो आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आएगी. और प्रॉब्लम क्या आएगी? आप चीटिंग करोगे. चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती बेटा. चीटिंग हम घर पे कर सकते हैं लेकिन पेपर में नहीं कर सकते ना. स्कूल्स में आपके पेपर होते हैं तो वहाँ तो चीटिंग अलाउड नहीं होती. तो आप क्या करेंगे, आप जिन्होंने कर ली टेबल लर्न, दैट्स रियली गुड, और जिन्होंने नहीं की वो कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए, जिससे कि क्या हो, हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट. आप मल्टीप्लिकेशन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए. क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको टेबल्स का रिव्यू करवाऊंगी. 11 टू 15 हम लोग टेबल्स करेंगे, ठीक है? ऑरली टेबल्स है आपके. टेबल्स का यहाँ बॉक्स में आपको 11 टू 15 टेबल दी गई थी, तो आप इन टेबल्स को अच्छे से पढ़ेंगे. 11 वन 11, मेरे साथ साथ पढ़िए. 11 वन 11, अपनी अपनी बुक्स में देख के. 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110. अब आप लोग रिवाइज कीजिए, आप लोग बोलिए जल्द से. अगर लर्न नहीं है तो अपनी बुक सामने रखिए, बुक में से देख के बोलिए. एक बार स्पीड से अच्छे से बोलिए. 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110. क्लियर? नाउ टेबल ऑफ 12 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 4 48, 12 5 16. मैं बोलती हूँ ना तो आपको आंसर आना चाहिए. आप भी मतलब अपनी वीडियो देख के बोलेंगे. 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 8 84, 12 8 84, 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 12 9 108, 12 9 108, 12 10 120, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 8 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120. क्लियर? अब आप लोग रीडिंग लगाइए एक बार. मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आप लोग रिवाइज कीजिए जल्दी से. अपनी अपनी बुक में देखिए और जल्द से 12 का टेबल बोलिए.
जल्दी से बोलिए बेटा। डन, ओके। नाउ टेबल ऑफ 13, 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, 13 थ्री जा 39, 13 फोर जा 52, 13 फोर जा 52, 13 फाइव जा 65, 13 फाइव जा 65, 13 सिक्स जा 78, 13 सिक्स जा 78, 13 सेवन जा 91, 13 सेवन जा 91, 13 एट जा 104, 13 एट जा 104, 13 नाइन जा 117, 13 नाइन जा 117, 13 टेन जा 130, 13 टेन जा 130। क्लियर? अब 13 की टेबल को अभी एक बार से रिवाइज करेंगे, अपनी बुक में देखिए और आप लोग बोलिए, अपने घर पे अच्छे से बोलेंगे जल्द से। बोलिए बेटा। बोलिए जल्द से जल्द बोलिए। हो गया? सबने बोल ली, सबने रिवाइज कर ली। अब 14 की टेबल पे आ जाएंगे। टेबल ऑफ 14, 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 56, 14 फोर जा 56, 14 फाइव जा 70, 14 फाइव जा 70, 14 सिक्स जा 84, 14 सिक्स जा 84, 14 सेवन जा 98, 14 सेवन जा 98, 14 एट जा 112, 14 एट जा 112, 14 नाइन जा 126, 14 नाइन जा 126, 14 टेन जा 140, 14 टेन जा 140। क्लियर? तो एक बार आप भी रिवाइज करेंगे, जल्द से जल्द कीजिए। 20 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। स्टार्ट। बोलो बोलो बेटा, बुक में देखेंगे और बोलेंगे 14 की टेबल। जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आपको टेबल बोलनी है बेटा। क्लियर? डन। नाउ लास्ट टेबल ऑफ 15, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, 15 फाइव जा 75, सॉरी 15 सिक्स जा 90, 15 सिक्स जा 90, 15 सेवन जा 105, 15 सेवन जा 105, 15 एट जा 120, 15 एट जा 120, 15 नाइन जा 135, 15 नाइन जा 135, 15 टेन जा 150, 15 टेन जा 150। क्लियर? 15 की टेबल भी आप लर्न करेंगे जब तक मैं आपका इनपुट बोर्ड पे लिखूं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। सबको लर्न हो गई? एटलीस्ट लर्न नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो माइंड में होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सब अपनी अपनी बुक्स को क्लोज कर दीजिए। क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स बेटा। और आप वीडियो देख के अब आंसर देंगे। क्लियर? अब आपको सिर्फ वीडियो में देखना है, बुक में नहीं देखना है किसी को भी। क्लोज योर बुक्स। सबकी बुक्स क्लोज हो गई। ओके, अब आप बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें किसकी टेबल बोलनी है? 11 की। देखो ये जो नंबर होता है ना जिसकी हम टेबल बोलते हैं, द नंबर विच टू बी मल्टीप्लाई, विच टू बी मल्टीप्लाई, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट। क्या कहते हैं बेटा?
मल्टीप्लिकेंट और द नंबर इट्स मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जितनी जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब जो सेकेंड नंबर, जितनी टाइम्स हम टेबल बोल के मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है हमारा मल्टीप्लर। क्या कहते हैं उसे? मल्टीप्लर। और जो रिजल्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे टू ही नंबर है, टू नंबर का जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से समझेंगे, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इट्स कॉल्ड मल्टीप्लीकेंट, एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेंट, द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई द मल्टीप्लीकेंट इट्स कॉल्ड मल्टीपल, एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ हमें 11 की टेबल 6 टाइम, 11 सिक्स 66, 11 सिक्स 66, 13 नाइन जा, अब आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए किसका करेक्ट है, अब आप लोग ही देखेंगे क्योंकि मैम तो सुन नहीं सकती ना आपकी, आप अपने आप को जज करेंगे कि आपका सही है या रॉन्ग। 39 ज 117, देखो अगर मल्टीप्लीकेंट या मल्टीपल हमारा मिसिंग होता है, दोनों में से एक ही मिसिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हम जो गिवन है उसका डिवाइड लगा देंगे। इट मींस 11 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 55 आए, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 55 में 11 का डिवाइड दे देंगे, 55 डिवाइडेड बाय 11, 55 11 की टेबल में कितनी बार आता है, 5 बार, आंसर इज 5। सेम कंडीशन, 72 हमारा प्रोडक्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेंट का डिवाइड दे देंगे, किसमें, प्रोडक्ट में, 72 डिवाइडेड बाय 12, 6, क्योंकि 12 सिक्स 72। क्लियर? यहाँ भी हमारा, मैंने कहा ना मल्टीप्लीकेंट या मल्टीपल दोनों में से जो भी गिवन होगा आप प्रोडक्ट में उसका डिवाइड लगा दोगे तो सेकंड वन निकल के आ जाएगा, 99 डिवाइडेड बाय 9, सो 99, देखो 9 वन ज़ा 9, ठीक है, सो आंसर इज 11, आंसर इज 11, F डैश मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 48। अब 48 में किसका डिवाइड देना है, 4 का, तो देखो डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आता है, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 12 फोर ज़ा 48। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड हम जिस तरीके से डिवाइड देते हैं ना उस तरीके से भी दे सकते हो। क्लियर बेटा? ओके, सो एफ तक मैंने कर दिया है यहाँ पे, सो जी एच आई ए टू एफ मैंने कर दिया, जी एच आई आप अपने आप करेंगे। क्लियर? जी एच आई यू विल डू योर सेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द गिवन टेबल, इसे राइट डाउन कर लीजिए, तो हम ये टेबल यहीं पे बनाएंगे। क्लियर? हो गया बेटा? इसे अच्छे से उतार लीजिए, तो क्योंकि हम टेबल थोड़ी सी बड़ी टेबल है तो हम पूरे ब्लैक बोर्ड को कवर करके बनाएंगे जिससे आपको इजीली विजिबल होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू, इज कंप्लीट द गिवन टेबल। अभी मैंने आपसे आपको बताया था ना कि मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लर क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, बताया था ना अभी आपको, वही इस टेबल में हमें कंप्लीट करना है। तो टेबल आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है,
ओके बेटा, ये आपके पास टेबल गिवन है। सबसे पहले हमारे पास सीरीज गिवन है, देन मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन मल्टीपर, मल्टीप्लर, मल्टीप्लर इज बाय विच वी मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेंड, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई, इसको कहेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है हमारा मल्टीपर। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। देन लास्ट वन इज प्रोडक्ट, जो हमारा मल्टीप्लाई निकल के आएगा, रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? सो फर्स्ट आपको ए देखो क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेंट गिवन है 7, मल्टीपर मल्टीप्लर भी गिवन है 5, मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाय, देखो 7 जो होता है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लर, और हमारा ये प्रोडक्ट जो आंसर निकल के आएगा वो किस में आएगा, प्रोडक्ट में। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, आंसर इज 35। क्लियर? सेकेंड में आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है। ओके, सो मल्टीप्लिकेंट इज, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेंट क्या है, 9, जिससे हम जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 इज मल्टीप्लिकेंट। ओके, मल्टीप्लर 6 और प्रोडक्ट 9 6 54, प्रोडक्ट क्या है 54। क्लियर? सी हियर इज मल्टीप्लिकेंट गिवन 8 एंड मल्टीप्लर ऑल्सो गिवन 3, सो राइट द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, एंड प्रोडक्ट 8 3 24। ओके, सो डी हियर इज मल्टीप्लिकेंट गिवन, मल्टीप्लायर इज ऑल्सो गिवन, द राइट द मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्रोडक्ट 11 9 99। लास्ट ई, जो पार्ट ई है उसमें भी आपके पास क्या गिवन है बेटा, ओनली मल्टीप्लीकेशन गिवन है। ओके, मल्टीप्लीकेशन इज 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, 15 10 150। ओके, और मल्टीप्लर क्या है 10 और मल्टीप्लिकेंट 15। क्लियर? सो दिस एक्सरसाइज इज डन, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई हमने। सो डू दिस एक्सरसाइज, होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 5.1 इन योर नोटबुक। ये आपको होमवर्क है बेटा, डू दिस एक्सरसाइज 5.1 इन योर नोटबुक एंड सबमिट योर नोटबुक एज सून एज पॉसिबल। Till then, stay safe, stay home.